मेरा किरदार है एक ट्रैफिक कांस्टेबल का, जो अपने जीवन में बहुत सारी बदनामी को झेल रहा है। उससे गलती हुई थी ज़िंदगी में, जहाँ पर अपनी सारी इज्जत और प्रतिष्ठा गंवा चुका है। उसके पास एक मौका है अपने आप को साबित करने का, और दुनिया के सामने और अपने परिवार के सामने नज़रें उठा के चलने का। और वो मौका जो है काफ़ी असंभव सा है, लेकिन इसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है। जब जिमिक्स शेरगिल का किरदार जब उन्हें ये जिम्मेदारी देता है कि ऑर्गन को मुंबई से पुणे 150 मिनट में लेके जाना है, नहीं तो उसके बाद जो दिल है, हार्ट है, वो ऑर्गन किसी काम का नहीं रहेगा, तो ये सफ़र पूरा होता है उससे या नहीं होता है? एक्चुअली ये घटना के दौरान हुआ क्या था, ये सारी चीज़ें आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगी। एक थ्रिलर है, बहुत ही फास्ट पेस फिल्म है, ये तेज़ गति से ये फिल्म चलती है, और उस जर्नी से, उस यात्रा से मुंबई टू पुणे बहुत सारी जिंदगियां जुड़ी हुई हैं, ना सिर्फ मेरी एक ट्रैफिक कांस्टेबल की और या कमिश्नर की, बल्कि एक लड़का जिसके माँ बाप हैं, जो अभी मरा है, और दूसरा बच्चा जिसके अंदर में ये हार्ट को ट्रांसप्लांट किया जाना है, वो और उसका फैमिली, और उसके अलावा एक दो और जिंदगियां जो है उसके साथ जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर के दोस्त की। तो ये कमाल का एक पूरा स्क्रिप्टिंग किया है राजेश पिल्लई, जो कि हमारी इस दुनिया में नहीं है, 3 महीने पहले ही वो गुजर गए, और वो ये दिन नहीं देख पाए जब हम फिल्म को प्रमोट करते, फिल्म की रिलीज देखते। तो इस तरह से ये पूरी बनावट है इस फिल्म की, कि फिल्म जब ये फिल्म की एक जर्नी है मुंबई टू पुणे, लेकिन उस जर्नी के साथ में बहुत सारी जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। ये फिल्म मलयालम में ऑलरेडी बन चुकी थी और वहां पर बहुत बड़ी सुपरहिट थी, और आशा करते हैं कि इसी तरह का प्यार हमारे हिंदी ऑडियंस से मिलेगा, हिंदी समझने वालों से मिलेगा। रेडियो पे ऋचा से बात कर रहा था कि ये कहना बड़ा आसान होता है कि ट्रैफिक वाले जो है पैसा लेते हैं, लेकिन पैसा देने की पहली शर्त कौन रखता है? हमेशा अपने अनुभव से सब लोग आप बताएं कि कोई भी अपना लाइसेंस जब्त नहीं होने देता है। ट्रैफिक वाले को घूस का लालच हमेशा आम आदमी देता है जो गाड़ी लेकर के चल रहा था। मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? और इतने पूरे धूप में, पोल्यूशन में, आप आधे घंटे आप खड़े होकर के सड़क पे, आप जब बस का वेट कर रहे होते हैं, आपका चेहरा उतर जाता है। ये 18-18 घंटे की ड्यूटी करते हैं ये लोग अपने घर परिवार से दूर। और जो ग्रीन कॉरिडोर का मसला होता है, तो ये पूरा डिपार्टमेंट सड़क पे उतर आता है और किसी तरीके से ये ऑर्गन को ट्रांसफर करने की अपनी जीतोड़ मेहनत करते हैं, एक जान बचाने के लिए पूरा का पूरा डिपार्टमेंट सड़क पे खड़ा होता है। और जो कि आप इस फिल्म में भी देखेंगे कि फ्रॉम कमिश्नर टू लोअर लेवल, हर आदमी, हर कांस्टेबल, हर अफसर लग जाता है एक जिंदगी बचाने के लिए।